हेलो बेटा, वालेकुम अस्सलाम। क्लास 11th में एक टॉपिक है जिसका नाम है इंडोक्राइनोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो इंडोक्राइनोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिससे मतलब हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन तो फिक्स है। अच्छा, 4 क्वेश्चन कैसे आते हैं? ये एक ऐसा चैप्टर है जो 11th के साथ साथ 12th के भी चैप्टर को कंट्रोल करता है। जैसे इसकी जो न्यू रखी जाती है 11th में, इफेक्ट दिखाई पड़ता है 12th में। 12th में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है। मतलब आपको ये चैप्टर बहुत ही सावधानी के साथ पढ़नी है, बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आप समझ लें, इस चैप्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस चैप्टर में शब्द बड़े होते हैं। शब्द बड़े होते हैं लेकिन उनको अगर आप एक बार समझ गए, मतलब शब्दों की बात आप एक बार समझ गए, तो फिर जो है आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपने सुना है ना कि शब्दों में क्या रखा है, भावनाओं को समझना है। तो एक चैप्टर है जो आपकी भावनाओं के बारे में व्यक्त करता है। आइए इस चैप्टर को देखा जाए और सीखा जाए कि इंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है। आइए सबसे पहले अगर हम आपसे कहें कि इंडोक्राइनोलॉजी के पहले हम लोगों को एक सब सीखना पड़ेगा कि ग्लैंड क्या है, किसे ग्लैंड कहते हैं। इस दुनिया का हर आदमी, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, हर जगह पर ग्लैंड की बात है, खास करके एनिमल्स में ही चर्चा होती है। तो ग्लैंड्स क्या है, सबसे पहले आप समझ लें कि ग्लैंड उन्हें कहते हैं। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन आप देख लें। ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट सिक्रीट केमिकल्स। ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट सिक्रीट क्या, केमिकल्स। दैट सिक्रीट केमिकल्स That secrete chemicals into cavity or bloodstream। चाहे वो cavity में मतलब duct में जो है उस chemical को release करे और चाहे directly blood stream में release करे। तो देखिए यहाँ पर एक खास point है कि a group of cells that secrete chemicals, यहाँ तक तो ठीक है। into cavity, अगर chemical cavity में जाता है, duct में जाता है, तो उसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और अगर वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो उसे हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। मतलब ग्लैंड क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो सिक्रीट करती है केमिकल्स, ये तो कैविटी में तो ब्लड स्ट्रीम में। अगर कैविटी मतलब डक्ट में करेंगी तो उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे, और अगर सिक्रीशन होगा, नॉर्मल सिक्रीशन होगा तो उसे मतलब डायरेक्टली ब्लड में होगा तो उसे इंडोक्राइन सिस्टम कहेंगे। इसके पहले आपको एक सिस्टम और सीखना पड़ेगा। हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी में दो ऐसे सिस्टम हैं जो बॉडी को कंट्रोल करते हैं। वो कौन कौन से सिस्टम है पहले आप उनके नाम देख लें। इन दोनों सिस्टम को मिला के हम लोग इंटीग्रेटिव सिस्टम करते हैं, क्योंकि ये दोनों सिस्टम हमारी बॉडी में होने वाली घटनाओं को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहला सिस्टम है जो इसे कंट्रोल करता है, उस सिस्टम का नाम है नर्वस सिस्टम। मतलब नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा होगा, बॉडी में होने वाली सारी घटनाओं को कंट्रोल करता है। और दूसरा सिस्टम है इंडोक्राइन सिस्टम। मतलब अगर हम ये दो सिस्टम पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं, तो हम ये पढ़ते हैं कि भैया कैसे नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम ह्यूमन बॉडी में होने वाली घटनाओं को कंट्रोल करता है। इन दोनों सिस्टम को मिला के हम लोग इंटीग्रेटिव सिस्टम कहते हैं। इन दोनों की जो मीट होती है वो हाइपोथैलेमस में होती है। हाइपोथैलेमस में होती है मतलब हाइपोथैलेमस वो लोकेशन है जहां पर ये दोनों सिस्टम एक दूसरे से मीट करते हैं। जैसे अगर आपको ये पता होगा, आप क्लास 10th में थोड़ा सा आपको आपके टीचर ने सिखाया होगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 10th में है, कि ये ग्लैंड बॉडी में जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, आपको सर ने आपके पढ़ाया होगा कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड पहले कहा जाता था, अब मास्टर ग्लैंड नहीं है ये। तो इसी पिट्यूटरी ग्लैंड को पहले माना जाता था कि ग्लैंड पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ब्रेन में पाई जाती है। बाद में क्या हुआ आप देखें, एक और ग्लैंड खोजी गई। अब ध्यान रखेंगे, ये जो आप लिख रहे हैं हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस जो है ये ब्रेन का पार्ट है। मतलब ये नर्वस सिस्टम है और ये इंडोक्राइन सिस्टम है। बेटा आपने बाद में पढ़ा या नहीं पढ़ा तो आप सुनिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मतलब ये हुआ कि मास्टर को भी कंट्रोल करने वाली ये ग्लैंड है। इंडोक्राइन सिस्टम मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम इस हाइपोथैलेमस का होता है। तो मतलब पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो बेसिक सी बात है
अब आइए मैं आपको टाइप्स ऑफ ग्लैंड सिखाता हूँ। सबसे पहले आप टाइप्स ऑफ ग्लैंड सीख लें, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो हमको वो भी बात अच्छे से सीखनी ग्लैंड क्या होती है। तो टाइप्स ऑफ ग्लैंड जो होती है, अगर हम इसे ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट देखें, ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट, अगर हम लोग डक्ट के आधार पर देखें कि डक्ट है या नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट अगर डक्ट के आधार पर देखा जाए, प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर, इसके टाइप देखिए। इस ग्लैंड के अगर आप टाइप देखते हैं तो सबसे पहले ग्लैंड होती है जिसे हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है, ये देखिए, ये बॉडी में एक खास तरह की ग्लैंड है जो बॉडी में होने वाली घटनाओं को कंट्रोल कर रही है, जो भी बॉडी में इवेंट्स हो रहे हैं सबको ये कंट्रोल कर रही है। ग्लैंड का नाम क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसकी ब्रांच को जो पढ़ता है, ऊपर देखिए इंडोक्राइनोलॉजी लिखा है, लेकिन अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड को पढ़ेंगे तो वो एक्सोक्राइनोलॉजी हो जाएगी। तो अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड आप देखते हैं, सिंपल सा बात ऐसे लिखिए कि ये देखिए ग्रुप ऑफ सेल्स आप ऊपर ने लिखा है आपने, ऐसे ये ग्रुप ऑफ सेल्स है जो खास तरह के केमिकल्स सिक्रीट कर रही हैं और ये केमिकल्स बॉडी में होने वाली घटनाओं को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं। फर्क ये है कि ये जो भी अपने सिक्रीशन कर रही हैं वो किसी डक्ट के थ्रू कर रही हैं। ये देखिए, जैसे आपके यहाँ ट्यूबवेल लगी होगी, तो ट्यूबवेल अगर ट्यूबवेल से किसी नाली से पानी जा रहा है तो वो एक्सोक्राइन है, लेकिन अगर ट्यूबवेल का पानी सीधे खेत में जा रहा है, बीच में नाली नहीं है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड है। जैसे अगर आपको लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे दे सिक्रीट केमिकल्स या पोर केमिकल्स, चाहे सिक्रीट लिखे चाहे पोर लिखे, दे सिक्रीट केमिकल्स इनटू डक्ट। मतलब ये जो सिक्रीशन करती है केमिकल्स का, वो सारी डक्ट के थ्रू करती हैं, नाली के थ्रू करती हैं। अगर कोई ग्लैंड है जिसमें केमिकल्स पड़े हैं और डक्ट के थ्रू सिक्रीशन कर रही है, तो इस तरह के ग्लैंड को हम लोग एक्सोक्राइन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अपने आप फीलिंग आएगी आपको। जैसे आप पढ़ते हैं, सबसे पहले ग्लैंड पढ़ते हैं जिसका नाम आप पढ़ते हैं सलाइवरी ग्लैंड, सबसे पहले यही शुरू करते हैं। अगर आप बोल रहे हैं, आप पिज्जा खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है हमारे माउथ पे पड़ी है। डाइजेशन चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि इसके तीन टाइप होते हैं। पहली टाइप होता है पैरोटिड ग्लैंड होती है, ये होती है ठीक गाल के कान के नीचे, पैरोटिड ग्लैंड है। तो ये पैरोटिड ग्लैंड पहली ग्लैंड होती है। दूसरी जो ग्लैंड होती है उसका नाम सब मैग्जिलरी ग्लैंड है, ये दूसरी टाइप है इसकी, सब मैग्जिलरी ग्लैंड है। तीसरी जो टाइप होता है उसे हम लोग सब लिंगुअल ग्लैंड कहते हैं, मतलब सब लिंगुअल जो होती है वो जीभ के नीचे होती है, सब लिंगुअल ग्लैंड है। अब ये तीन तरह की ग्लैंड है, तीन जोड़ी ग्लैंड है, ये तीन जोड़ी ग्लैंड है, थ्री पेयर। फिर से सुन लीजिए, पैरोटिड ग्लैंड कान के नीचे है यहाँ पे, सब लिंगुअल दोनों जबड़े के ज्वाइंट पे है, और सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल जो है वो है हमारी जीभ के नीचे। अब ये तीन तरह की ग्लैंड है, तीन जोड़ी की ग्लैंड है, और तीनों मिलके क्या रिलीज करती हैं? तीनों मिलके रिलीज करती हैं सलाइवा। अगर आप पढ़े होंगे तो पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट होती है वो एक्सटेंशन डक्ट है, मतलब डक्ट का नाम एक्सटेंशन डक्ट है, जिस डक्ट से ये सलाइवा रिलीज करती है। इसका जो है, इसकी जो ग्लैंड है उसका नाम है वाटसन ग्लैंड है, वाटसन डक्ट नाम है। ये देखिए, कोई एक डक्ट है जिसको हम लोग वाटसन डक्ट कहते हैं, इसकी जो डक्ट है उसका नाम रिविनस डक्ट है। ध्यान से अगर आप सोचें तो ये तीनों के जो ग्लैंड, ये ग्लैंड्स के नाम है, ये इनकी डक्ट के नाम है, और ये तीनों मिलके क्या रिलीज करती हैं? सलाइवा। सलाइवा का फंक्शन क्या है? सलाइवा का पहला फंक्शन है फूड की मिक्सिंग कराता है, और इसके सिवा इसका पीएच जो होता है 6.8 है, एसिडिक मीडियम है ताकि बैक्टीरिया और कोई भी चीज मर जाए, इसमें जो है लाइव वो पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है जो बैक्टीरिया किल करता है। तो हम सारी बातें हम लोग बाद में सीखेंगे। तो सलाइवरी ग्लैंड कैसी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन है। क्यों है? क्योंकि इसमें डक्ट पाई जाती है। इसी तरह से आप देखें और भी बॉडी में ढेर सारी ग्लैंड है, मैं नाम लिखता हूँ आप देखिएगा। जैसे एक नाम लिखता हूँ मैं, देखिए स्वीट ग्लैंड है। अभी आप गर्मियों में जब होते हैं आपको खूब पसीना होता है, तो जो पसीना होता है कभी आप ध्यान से देखिए, ये किसी डक्ट के द्वारा शरीर से बाहर आता है, और ये स्वेट ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? स्वेट। स्वेट माने पसीना। काम क्या है बॉडी का? इसको रिलीज करने का क्या है? बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना है।
स्वेट ग्लैंड का काम है। ऐसे देखिए और भी ग्लैंड हैं, बहुत सारी ग्लैंड है बॉडी में। अगली ग्लैंड है जिसको हम लोग सीवेसियस ग्लैंड कहते हैं, ये देखिए ये एक ग्लैंड है जिसको हम लोग सीवेसियस ग्लैंड कहते हैं। इससे क्या रिलीज होता है? सीबम। तो सीबम का काम क्या है? सीबम हमारे स्किन को मॉइस्ट रखता है। गर्मियों में ग्लैंड कम काम करती है, इसलिए हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और हम फिर जो है बॉडी लोशन लगाते हैं। इसके सिवा और भी ग्लैंड है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। आपने पढ़ा होगा मैमल्स का यूनिक कैरेक्टर है, और इस कैरेक्टर का नाम है कौन से ग्लैंड? ये ग्लैंड है खास तरह का मेमोरी ग्लैंड है। इस मेमोरी ग्लैंड की डक्ट का नाम अगर आप कभी सोचे, इसकी डक्ट का नाम है लैक्टिफेरस डक्ट। मतलब ये डक्ट है जिससे द्वारा लैक्टिफेरस डक्ट है फीमेल्स में एक्टिव होती है, और इस लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा किसका सिक्रीशन होता है? मिल्क का। मतलब जो मिल्क है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का प्रोडक्ट है। मिल्क इसका ग्लैंड का प्रोडक्ट है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का प्रोडक्ट है। इसके सिवा और भी हमारी बॉडी में ग्लैंड्स हैं। जैसे ये देखिए एक ग्लैंड है जिसका नाम है सेरुमिनस ग्लैंड है। सेरुमिनस ग्लैंड है, ये देखिए सेरुमिनस ग्लैंड है। ये हमारे कान में पाई जाती है, कान में पाई जाती है। इससे निकलता है सेरुमेन या वैक्स निकलता है। सेरुमेन निकलता है या वैक्स निकलता है। आप क्लास में खाली टाइम में बैठे रहते हैं, अपने कान में वो जो खुजली करके और पीले कलर का फ्लूड निकाल कर फिर गोल करके फेंकते हैं, वो क्या है? सेरुमेन है। क्या काम उसका? हमारे इंटरनल ईयर को प्रोटेक्ट करता है, हमारे इंटरनल ईयर को प्रोटेक्ट करता है। अब इसके बाद और देखिए, इसके बाद जो और ग्लैंड है ये देखिए लैक्रिमल ग्लैंड है, आई के ऊपर पड़ी है। ये लैक्रिमल ग्लैंड का काम क्या है? इससे टीयर्स निकलते हैं। टीयर्स जो होते हैं, जो ये आंसू होते हैं, इनका काम जो है हमारे आंख में किसी भी इंफेक्शन से बचने के लिए है। ये रोने के लिए नहीं है। जो लोग रोते हैं दुनिया के सबसे बेवकूफ लोग होते हैं, रोना नहीं चाहिए आदमी को। और भी ग्लैंड है, ये देखिए लैक्रिमल ग्लैंड के सिया आंख में और भी ग्लैंड है। एक ग्लैंड है जिसका नाम मीबोमियन ग्लैंड है, ये भी आंख में पाई जाती है। मीबोमियन ग्लैंड है, इससे खास तरह का लिपिड निकलता है, लिपिड निकलता है, सीबम निकलता है। कभी आप देखिए तो ये जो आंखें हैं इनमें वाटर नहीं भरा है, इसमें लिपिड या वैक्स भरी है जिसमें आंख रोटेट करती है। तो कौन सी ग्लैंड जैसे सेक्रेट करती है? उस ग्लैंड का नाम मीबोमियन ग्लैंड है। और भी ग्लैंड है, आप चिंता न करें, बहुत सारी ग्लैंड है आंख में हमारी। और भी ग्लैंड है, एक ग्लैंड है जिसका नाम है जीस ग्लैंड, एक ग्लैंड है जिसका नाम है जीस ग्लैंड, एक ग्लैंड है जिसका नाम है मॉल ग्लैंड। ये भी हमारे आईज में पाई जाती है, और ये आई लेसेस में मेनली पाई जाती है। क्या फंक्शन है इनका? आई लेसेस में ये लिपिड को सिक्रीट करती हैं और आई लेसेस को मेंटेन रखती हैं, मॉइस्ट रखती हैं। ये ध्यान रखना है। फिर आप देखिए जितने भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स माने जितने भी इंटेस्टाइन में पाई जाने वाली स्टमक में पाई जाने ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, उनमें सब के सब से जो एंजाइम्स जो निकलते हैं, एंजाइम्स जो निकलते हैं, ये सारे के सारे जितने भी एंजाइम्स निकालने वाली ग्लैंड है सब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, सब के सब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। और भी देख रहे हैं आप पैंक्रियाटिक स्मीन, ये देखिए पैंक्रियास का एक पार्ट है। पैंक्रियास आपने पढ़ा होगा मिक्स ग्लैंड है। पैंक्रियाटिक एसनी जो है पैंक्रियास का एक पार्ट है जिससे पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। तो पैंक्रियाटिक जूस जो निकलता है, पैंक्रियाटिक जो जूस निकलता है वो भी क्या है? एक तरह की ग्लैंड है जिससे पैंक्रियाटिक जूस निकल रहा है। ये देखिए एक हार्मोन्स खास तरह के हार्मोन्स है, जिन हार्मोन्स को हम लोग कहते हैं, अगर आपने बेटा पढ़ा होगा फेरोमोन्स पढ़ा होगा, फेरोमोन्स नहीं पढ़ा है आप पहली बार सुन रहे हैं, तो एक खास तरह के केमिकल्स हैं, इन्हें हम लोग एक्टो हार्मोन्स भी कहते हैं, एक्टो हार्मोन्स भी कहते हैं। ये जो होते हैं हमारी बॉडी में सारे लोगों से निकलते हैं, अट्रैक्शन का काम करते हैं। जो आपने देखा नहीं कि तूने मारी एंटी आर दिल में मेरी घंटी मार, तो दिने मारी एंटी आर तेंटी किसने मारा? फेरोमोन्स ने। एक्टो हार्मोन्स कहते हैं, वो गाना सुना होगा तेरे चेहरे में वो जादू है, डिंडोर खींचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। क्यों तेरी ओर चला आता हूँ? क्योंकि तुम्हारी बॉडी में क्या पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है तुम्हारी बॉडी में? फेरोमोन्स पड़े हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें बेसिक तरीके से सोचें तो सलाइवा हो गया, स्वेट हो गया, सीबम हो गया, टीयर्स हो गए, लिपिड हो गए, आईलेसिस हो गई, एंजाइम्स हो गए, पैंक्रियाटिक जूस हो गया, फेरोमोन्स हो गए, इन सारी चीजों का सिक्रीशन वो ग्लैंड करती है जिस ग्लैंड में डक्ट पाई जाती है। और जिस ग्लैंड में डक्ट पाई जाती है उस ग्लैंड को हम लोग
एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ये ग्लैंड का पहला टाइप हो गया। दूसरा देखिए बेटा, दूसरी जो ग्लैंड है, पहला तो एक्सोक्राइन है, दूसरी जो ग्लैंड देखिए बोर्ड ने लिख दिया है उस ग्लैंड का नाम इंडोक्राइन ग्लैंड है। आइए देखते हैं ये कौन सी ग्लैंड्स हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर आप देखें तो इसकी डिफिनेशन ही लिख सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी में इसी चैप्टर पढ़ना है, दे सिक्रीट केमिकल्स, दे सिक्रीट केमिकल्स, दे सिक्रीट केमिकल्स, दे सिक्रीट केमिकल्स डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, दे सिक्रीट केमिकल्स डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, मतलब जो ब्लड स्ट्रीम में जो ब्लड है उसमें ये सीधे अपनी केमिकल्स को डायरेक्ट सिक्रीट करती है, मतलब इनमें किसी भी तरह की डक्ट नहीं होती है। जब किसी भी ग्लैंड में डक्ट नहीं होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, चाहे इसे इंडोक्राइन ग्लैंड्स कह दें और चाहे इसे हम लोग डक्टलेस ग्लैंड कह दें। डक्टलेस कहा मैंने, डक्टलेस ग्लैंड कहा, मतलब ऐसी ग्लैंड जिसमें डक्ट ही नहीं है, तो उस ग्लैंड को कौन सी डक्ट ग्लैंड कहेंगे, डक्टलेस ग्लैंड कहेंगे। अगर आप यहाँ देखें तो ऐसे आप चाहे इसका फिगर बना दें कि ये भाई ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ये देखिए ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं और इनके बगल से पास हो रहा है ब्लड स्ट्रीम। आप इनके बगल से ऐसे सीधे दिखाइए कि भाई इसके बगल से सीधे ब्लड पास हो रहा है, यहाँ लिख दीजिए कि ये ब्लड है, इससे ब्लड पास हो रहा है और ये अपनी केमिकल्स को डायरेक्टली सिक्रीट कर रही है किस जगह पर, ब्लड स्ट्रीम में। मतलब अगर डक्ट है तो एक्सोक्राइन है और डक्ट नहीं है तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, एग्जैक्ट एकदम याद करना है। अगर आप देखें इंडोक्राइन ग्लैंड्स को तो एनसीईआरटी ने इनके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन किया है। अगर आप देखें तो इनमें सबसे पहले जो नाम आता है, जो ग्लैंड का नाम आता है, आप फिगर देखेंगे तो एनसीईआरटी में इसका फिगर बना हुआ है, सबसे पहले ग्लैंड आती है जिसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड है, सबसे पहले ग्लैंड है जिसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये सारे लोग जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम, लेकिन आपको इससे काम नहीं चलेगा, आपको इसका दूसरा नाम याद करना है। किसका दूसरा नाम, मास्टर ग्लैंड है। चाहे आप पिट्यूटरी ग्लैंड याद करें चाहे इसका दूसरा नाम आप मास्टर ग्लैंड याद करें। एक नाम इसका और है हाइपोफाइसिस, हम लोग जब पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे तो उसका डिस्कशन करेंगे, ब्रेन में पड़ी हुई है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद जो दूसरी ग्लैंड है उसका नाम पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है। हम इसके हार्मोन्स का नाम बताएंगे आपको, इसी से आपको निद्रा आती है, नींद आती है, इसे कभी कभी लोग थर्ड आई भी कहते हैं या इसी का नाम एपिफाइसिस भी है। ये हाइपोफाइसिस है, ये एपिफाइसिस है, हाइपोफाइसिस एपिफाइसिस। पीनियल ग्लैंड के बाद जो अगली ग्लैंड है ये हमारे गले में है यहाँ पे, उस ग्लैंड को हम लोग कहते हैं थायराइड ग्लैंड। आप सब लोगों ने सुना होगा ये सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब लार्जेस्ट साइज की इंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइज की है, ये भी आपको नोट करना पड़ेगा, लार्जेस्ट साइज की ग्लैंड है। डिटेल पढ़ेंगे तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सी ग्लैंड सबसे बड़ी होती है इंडोक्राइन में तो आप थायराइड बताएंगे, लेकिन अगर जनरल पूछे कौन सी ग्लैंड बड़ी होती है तो आप लीवर बताएंगे। थायराइड ग्लैंड के बाद फिर आपको लिखना है, थायराइड के जस्ट बगल में एक ग्लैंड है, दो जोड़ी ग्लैंड है जिसका नाम पैराथायराइड ग्लैंड है। एनसीईआरटी ने इसका फिगर बना रखा है, आप फिगर देखते जाएं, मैं सिखाते जाता हूं। ये देखिए पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड के बाद सीने में एक ग्लैंड है जिसको हम लोग थाइमस ग्लैंड कहते हैं। ये देखिए ये सीने में एक ग्लैंड है जिसे हम लोग थाइमस ग्लैंड कहते हैं, जिसका ये ग्लैंड उम्र बढ़ने पर इसका काम खत्म हो जाता है तो लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और इससे व्यक्ति बूढ़े होते हैं, मतलब बूढ़े होने के लिए ग्लैंड जिम्मेदार है, एजिंग होने के लिए जिम्मेदार है। थाइमस के पास जो ग्लैंड है वो पैंक्रियास है, मतलब पैंक्रियास भी एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन इसमें जो पैंक्रियास पे इंडोक्राइन वाला पार्ट है, पूरी पैंक्रियास ना होके उसका एक पार्ट है जिसे हम लोग आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, मतलब आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रियास का वह पार्ट है जो इंडोक्राइन वाला पार्ट है। ये देखिए आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। पैंक्रियास के बाद जो अगली ग्लैंड है जिसे हम लोग बहुत शिद्दत से पढ़ते हैं, उस ग्लैंड का नाम एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं क्योंकि किडनी के ऊपर पड़ी है, किडनी के ऊपर पड़ी हुई है, इसलिए इसका दूसरा नाम सुप्रा रीनल ग्लैंड है। सुप्रा रीनल ग्लैंड मतलब वो ग्लैंड जो किडनी के ऊपर पड़ी है उसे सुप्रा रीनल कहते हैं। इसका एक नाम और है जिसे हम लोग फोरियस ग्लैंड कहते हैं, फोरियस ग्लैंड कहते हैं। और भी बहुत सारे नाम है, इमरजेंसी ग्लैंड है, त्रिया ग्लैंड है, हम लोग बाद में देखेंगे, चिंता नहीं करने का है, चिंता का जीता जीता करना है, हम लोग बहुत बहादुर हैं, हम लोग टक्कर में कोई नहीं है। तो यहां तक देखिए एड्रिनल तक जितनी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी से लेके एड्रिनल तक जितनी ग्लैंड है, ये सारी की सारी ग्लैंड परमानेंट ग्लैंड है,
परमानेंट मतलब क्या हुआ कि बॉडी के किसी भी फेज में किसी भी उम्र में ये सारी ग्लैंड काम करती रहती हैं, किसी तरह की कोई किसी व्यक्ति को दिक्कत नहीं आती है। हाँ, इसमें ग्लैंड है थाइमस जो एक उम्र के बाद खत्म हो जाती है एडल्ट होने पे, लेकिन तब भी हम इसे परमानेंट ग्लैंड में रखते हैं। इसके बाद देखिए और भी ग्लैंड है, जैसे एक ग्लैंड है टेस्टिस, तो टेस्टिस हो गया किसमें, ये मेल में। फिर देखिए ओवरी, ये हो गई किसमें, फीमेल में। फिर देखिए प्लेसेंटा, टेस्टिस ओवरी और प्लेसेंटा, ये तीन ऐसी ग्लैंड हैं जो टेम्पोरी ग्लैंड है। टेम्पोरी ग्लैंड मतलब क्या हुआ कि किसी भी टाइम एक्टिव होंगी, फिर ये इनएक्टिव हो जाएंगी, फिर एक्टिव होंगी, फिर क्या हो जाएंगी, इनएक्टिव हो जाएंगी। तो मतलब पिट्यूटरी से लेकर एड्रिनल तक परमानेंट ग्लैंड है, लेकिन टेस्टिस ओवरी प्लेसेंटा क्या है, टेम्पोरी ग्लैंड है। इन सारी ग्लैंड्स को हम लोग एक जनरल भाषा में ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड कहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड मतलब ये हुआ कि हमेशा सिक्रीशन करती रहती है और बॉडी में होने वाली इवेंट्स को, होने वाली घटनाओं को कंट्रोल करती है, इसीलिए इनको हम लोग ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड कहते हैं। इनका दूसरा एक और पार्ट है जिसको हम लोग अक्सर देखते हैं, बॉडी में कुछ ऐसी ग्लैंड है जिन्हें हम लोग नॉन ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड कहते हैं। मतलब उनका मेजर काम सिक्रीशन का तो नहीं है, लेकिन वो तब भी सिक्रीशन करती रहती हैं। आइए देखा जाए कौन कौन सी ग्लैंड है जिनको नॉन ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड कहते हैं। ये देखिए नॉन ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड, तो इसमें अगर आप सबसे पहले देखें तो लीवर है। लीवर भी एक तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड है। विश्वास नहीं होगा, आप एनसीईआरटी में देखेंगे लिखा हुआ है। क्यों लिखा है हम आपको सिखाएंगे इसी चैप्टर में, लीवर की एंडोक्राइन ग्लैंड है। हम ऐसा नहीं करें एग्जोक्राइन ग्लैंड में रखी जाती है, बाय जूस निकालती है, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ा हुआ लिखा हुआ पढ़ के देखिएगा, परफेक्ट लिखा हुआ है। लीवर के बाद दूसरी ग्लैंड है जिसे हम लोग हार्ट कहते हैं, हार्ट भी एक ग्लैंड है। किडनी, आपसे अगर मैं पूछूं किडनी भी ग्लैंड है, हाँ सर किडनी भी एक ग्लैंड है, किडनी भी एक ग्लैंड है। लीवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया। इसके सिवा एलिमेंट्री कैनाल भी एक ग्लैंड है। एलिमेंट्री कैनाल जो भी है उससे भी हार्मोन्स निकलते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल से लगभग 16 हार्मोन निकलते हैं। तो लीवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, एलिमेंट्री कैनाल हो गई, हमारी स्किन हो गई। स्किन भी एक ग्लैंड है, इससे क्या निकलता है, विटामिन डी, विटामिन डी थ्री। वो भी विटामिन डी थ्री कोई विटामिन नहीं बल्कि वो हार्मोन है। तो ये वो ग्लैंड्स हैं, लीवर, हार्ट, किडनी, एलिमेंट्री कैनाल, स्किन, जो मेनली सिक्रीशन का काम तो नहीं करती, मतलब ग्लैंड का काम नहीं करती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा स्किन जो है लार्जेस्ट आर्गन है पूरी बॉडी का, सबसे बड़ी साइज का आर्गन पूरी बॉडी कौन है, वो है लार्जेस्ट आर्गन है हमारा जो ये एलिमेंट्री कैनाल है। फिलहाल आपको भी ये सीखना है लीवर, हार्ट, किडनी, एलिमेंट्री कैनाल और स्किन जो है नॉन ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड है, इनका मेजर फंक्शन सिक्रीशन का नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये भी सिक्रीशन का काम करती हैं। अब आपको ये देखना है एक तीसरी टाइप ग्लैंड का जिसे हम लोग मिक्स ग्लैंड कहते हैं। मिक्स ग्लैंड कहते हैं, मिक्स ग्लैंड वो होती है जिनमें दोनों नेचर होता है। मतलब अगर आपको इनकी डिफिनेशन लिखना हो तो लिखेंगे बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन नेचर, बोथ एक्सोक्राइन एंड दूसरा नाम लिखिए बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन इन नेचर। ये देखिए मतलब जिनमें डक्ट भी है और जिनमें डक्ट नहीं है, दोनों स्थितियां हैं, उन सारी ग्लैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड कहते हैं। अब आइए एग्जांपल देखा जाए कि कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं जो मिक्स ग्लैंड है। मतलब मैंने आपको दो तरह ग्लैंड पढ़ाई, एक ग्लैंड जो एक्सोक्राइन है, एक ग्लैंड जो इंडोक्राइन है, लेकिन अब हम देख रहे हैं जो मिक्स ग्लैंड है जिनमें दोनों का नेचर है, डक्ट है और डक्ट भी नहीं है। तो आप सबसे पहले सीना तान के लिखिए कि सर देखिए हम लोगों को सबसे पहले यही पढ़ाया गया है कि पैंक्रियास एक मिक्स ग्लैंड है। हमने कहा भाई बिल्कुल आप सही पढ़े हुए हैं। तो पैंक्रियास के दो पार्ट है, आप पर ये समझे, पहला जो इसका पार्ट है उसे हम लोग पैंक्रियाटिक एसिनी कहते हैं। तो पैंक्रियाटिक एसिनी इसका पहला पार्ट है। ये पैंक्रियाटिक एसिनी पैंक्रियास का लगभग 98% बनाता है और इस पैंक्रियाटिक एसिनी से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। पैंक्रियाटिक जूस निकलता है मतलब आप कह सकते हैं पैंक्रियाटिक एंजाइम्स निकलते हैं, पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। ये जूस क्या है, एक खास तरह के एंजाइम्स हैं जो हमारे ड्यूटनम में डाइजेशन का काम करते हैं, डक्ट है इसमें। इसलिए ये जो पैंक्रियाटिक एसिनी है, जो ये पैंक्रियाटिक एसिनी है, ये इसका एक्सोक्राइन पार्ट है, मतलब इसमें डक्ट है
और जब आप डाइजेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डक्ट का नाम भी लिखा है, डक्ट ऑफ सेंटर यूनिट, डक्ट ऑफ बहुत सारे नाम है, हम आपको सिखाएंगे। अभी आप देखिए इसका दूसरा पार्ट है जिसे हम लोग आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये देखिए आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। अभी मैंने इसका सेक्शन यहाँ नहीं बनाया है क्योंकि हम पैंक्रियास नहीं पढ़ रहे हैं, हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है इसका इंडोक्राइन पार्ट है। इंडोक्राइन पार्ट है मतलब इससे क्या निकलेंगे, हार्मोन्स निकलते हैं, इसी से हार्मोन्स निकलते हैं। ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं सब प्रोटीन के बने होते हैं। और अगर आपको एक आध नाम मैं बता दूं तो वो खूबसूरत हार्मोन जिसका नाम हम लोग अक्सर जपते रहते हैं इंसुलिन है, और भी नाम है, ग्लूकागन है, चार हार्मोन निकलते हैं, सारे के सारे प्रोटीनियस होते हैं, उधर डिटेल में नहीं जाना है। पैंक्रियास के बाद जो दूसरी ग्लैंड है मिक्स ग्लैंड में, जो दूसरी ग्लैंड है मिक्स ग्लैंड, उस ग्लैंड का नाम टेस्टिस है। क्लास 12th में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा टेस्टिस भी मिक्स ग्लैंड है। तो मिक्स ग्लैंड कौन सा है, टेस्टिस में जो इंटरस्टीशियल सेल है, अभी आप पढ़ेंगे इसको, चिंता न करें, इंटरस्टीशियल सेल है टेस्टिस में, जो इंटरस्टीशियल सेल है, ये देखिए इंटरस्टीशियल सेल है, ये इसी को हम लोग लैडिक सेल कहते हैं। इन सेल से एक हार्मोन निकलता है, इस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो अगर किसी भी जगह से हार्मोन निकलता है तो वो नेचर कैसा होता है, इंडोक्राइन होता है। जबकि इसमें अगर आप डक्ट देखें तो बहुत सारी डक्ट हैं, बहुत सारी इसमें डक्ट पाई जाती हैं जिनके थ्रू इस सीमेन जो होता है मूव करता है। डक्ट पाई जाती हैं जो सीमेन की मूवमेंट में मदद करती हैं, सीमेन मूवमेंट में हेल्प करती हैं। बहुत सारी टेस्टिस में जो है डक्ट पाई जाती है। ये देखिए टेस्टिस के बाद अगर तीसरी मिक्स ग्लैंड देखा जाए तो वो ग्लैंड है जिसे हम लोग ओवरी कहते हैं। ओवरी भी मिक्स ग्लैंड है, विश्वास नहीं होगा आपको, क्लास 12th जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। ओवरी में अगर आप देखें तो इसका जो इंडोक्राइन पार्ट है इसमें एक नाम आता है, इसका हम लोग कहते हैं कि सर ये कार्पस लूटियम है। ओवरी में ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, टर्सरी फॉलिकल सेल्स होती हैं। अगर आपको और डिटेल में सीखना है तो सीधे आप लिख दीजिए कि टर्सरी फॉलिकल सेल्स होती हैं और इनसे जो हार्मोन निकलता है, बेटा दो हार्मोन निकलते हैं कार्पस लूटियम से। एक हार्मोन निकलता है जिसे हम लोग इस्ट्रोजेन कहते हैं और एक दूसरा हार्मोन से और निकलता है बाद में निकलता है जिसे हम लोग प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। ये देखिए प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। अगर आप इसके डक्ट की बात करें तो इसमें ढेर सारी डक्ट पाई जाती हैं ओवरी के अंदर। आगे चल के जैसे इसमें एक डक्ट पाई जाएगी ओवरी के आगे चलने पर फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है और ओवरी की वाल भी खुद भी सिक्रीशन करती है। तो ये जो इसका पार्ट है ये एक्सोक्राइन पार्ट है, मतलब पैंक्रियास हो गया, टेस्टिस हो गई, ओवरी हो गई, ये सब मिक्स ग्लैंड है। इसके सिवा मिक्स ग्लैंड में अगर आप देखें तो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। आप बिल्कुल मत डरे, नाम बहुत बड़ा है, चिंता ना करें। गैस्ट्रो माने पेट हुआ, इंटेस्टाइन आप जानते हैं मतलब ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। 60 में हमने GIT कहा गैस्ट्रो किस टर्म के, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक टर्म लग गया पेट के लिए। इंटेस्टाइन आप जानते हैं लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एक ट्रैक्ट है जिससे दो चीजें निकलते हैं, इससे हार्मोन्स भी निकलते हैं। अगर हार्मोन्स के नाम मैं बता दूं, आपने ऑलरेडी नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ ले, क्लास 11th में आप एंट्री कर रहे हैं। तो सबसे पहला हार्मोन इसका नाम सिक्रीटिन है, ये एक हार्मोन है जो इससे निकलता है। और भी हार्मोन है जिसका नाम गैस्ट्रिन है, सिक्रीटिन हो गया, गैस्ट्रिन हो गया, इससे लगभग 16 हार्मोन निकलते हैं। नाम नहीं बताऊंगा बस इतना पर्याप्त है। सिक्रीटिन जो है फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन है और इसकी वॉल से एंजाइम्स निकलते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा एंजाइम्स कौन से निकलते हैं, फिर बीजिक से पूरा पूरा इंटेस्टाइनल जूस जो है वो इंटेस्टाइन से ही निकलता है। तो इस तरह से आप देखें तो ये जो है एक तरह की मिक्स ग्लैंड है। इसके सिवा एक ग्लैंड और है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा भी जो होती है वो मिक्स ग्लैंड होती है, उससे केमिकल्स निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। तो अब आपको मोटा मोटा ये समझना है बोर्ड पे जो लिखा हुआ है। हमें बोर्ड पे आपको पहले इंडोक्राइन ग्लैंड सिखाया, पहले एक्सोक्राइन सिखाया, फिर इंडोक्राइन सिखाया, अब मिक्स ग्लैंड सिखाया। अब आपको दिमाग में सिर्फ ये नहीं चलना चाहिए कि सिर्फ पैंक्रियास ही मिक्स ग्लैंड है, अब आपको ये चलना चाहिए कि जब आप क्लास 12th में जाएंगे तब आपको ये मिलेगा, क्लास 11th में आपको ये मिलेगा, ये भी दोनों चीजें आपको ये 11th मिल जाएगा और ये जो चैप्टर है ये आपको क्लास 12th मिलेगा।
मैं आपको बता दूं कि जो चैप्टर है ये लगभग 3 से 4 क्वेश्चन क्लास 11 से लेके आता है, 3 से 4 क्वेश्चन, लेकिन अगर इसका टोटल ओवरऑल वेटेज देखा जाए तो कम से कम नीट जैसे एग्जाम में 8 क्वेश्चन लेके आता है। ये केवल चैप्टर ऐसा नहीं करता है, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आएगा तभी आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आएगा। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से करीब 6-7 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ से आता है, तभी मैंने कम लिखा हुआ है कि 8 क्वेश्चन आते हैं ताकि आपको मन लगे और आपको लगे कि एक भारी सा चैप्टर है। नाम बड़े भारी हैं लेकिन जो चीज़ जितनी भारी होती है उसको गिराना उतना ही आसान होता है मेरे दोस्त।